ऐसे कोरोना की मुश्किल स्थिति में हमें माता जी खुश रहने की सलाह दे रही हैं, इसलिए वो मुस्कुरा रही हैं और मुस्कुराने की वजह से वो हो गई हैं वायरल। नमस्कार साथियों, स्वागत है बहुत बहुत फिर से। चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस नवरात्रि के त्यौहार में माँ जगत जननी सारे लोगों के मोबाइलों पर वायरल है। पूरे भारत में इनका नाम चल रहा है। मध्य प्रदेश के एक कलाकार ने अद्भुत मूर्ति बना दी है। तो दोस्तों बिल्कुल ये बात सही है। एक इंटरव्यू में मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, पवन भाई ये एक्सेप्ट कर चुके हैं या बोल चुके हैं कि भाई कोरोना की वजह से मैंने इतनी मुस्कुराती हुई मूर्ति बनाई है ताकि लोग इस विपरीत परिस्थिति को भूलकर अपने पुराने जीवन में वापस लौट के आएँ और एक नया जीवन शुरू करें। देवी जी की इतनी मुस्कुराती हुई प्रतिमा लोगों का आकर्षण का कारण बनी हुई है। मैं आपसे लगातार हर वीडियो में यही बात बोल रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी लोग अन्य तरीके की बातें कर रहे हैं या सोशल मीडिया की बातें कर रहे हैं। ये सब बातें हैं, ये तो देवी जी की कृपा ही जानने की उन्होंने ऐसा क्या वजह रही है जिसकी कारण वो वायरल हो चुकी हैं। दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है, वायरल देवी जी हो गई हैं, उसके साथ आप उसके मूर्तिकार का नाम भी जोड़ें। हाँ, आप कमेंट कर मुझे ये ज़रूर बताएं क्या आपको ये वजह सही लगी है या कोई अन्य वजह आपको लगती है। माता रानी जगत जननी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। माँ सबका कल्याण करें, माता रानी आपकी शुभ मनोकामनाएँ पूर्ण करें। तो इस त्यौहार चल रहा है माता रानी का, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी